हेलो फ्रेंड्स, कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं सॉफ्ट मोहन थाल बनाऊंगी। मोहन थाल जो है, मोहन ही जिसका नाम है वो जरूर कृष्ण को तो प्रिय होगा ही। और ये मोहन थाल भी कई तरह से बनाया जाता है और दो तरह से होता है, एक तो इसको जमाते हैं और दूसरा इसको सॉफ्ट करते हैं। तो आज हम प्रसाद के रूप में बना रहे हैं, तो मैं आपके साथ में सॉफ्ट वाला बताने की कोशिश करूंगी या बता रही हूँ। देखिए, मैंने यहाँ बाउल का एक मेजरमेंट ले लिया, कोई भी ले लीजिएगा। और फर्स्ट हम इसको छान लेंगे। छानने से ये होता है कि हमारा जो बेसन है वो फूला फूला हो जाता है और एक अच्छा जो इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाती है, अच्छा लुक देता है। पकाने में भी, यानी इसको जब हम बनाते हैं तो भी ये इसका अच्छा जो टेक्स्चर है वो आता है। ये दो बाउल मैंने ले लिया है, देखिएगा छनने के बाद कैसा होता है और बिना छने कैसा रहता है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने ये 3 टेबल स्पून जो है वो मिल्क लिया है, यानी दूध लिया है। दूध बहुत अच्छा गर्म है, यानी अच्छा गर्म चाहिए। और इसमें हम जितना हमने दूध लिया है उतना ही हम उसमें घी मिक्स कर देंगे। और ये मेजरमेंट जो है फ्रेंड्स, हम रखेंगे अपने जितना भी हमने बेसन लिया है उसके हिसाब से हम इसे बढ़ाते और घटाते चले जाएंगे। तो आप देखिए, अब ये ले लिया और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद जो हमने बेसन लिया है, इस बेसन में ये थोड़ा थोड़ा करके और दोनों हाथों की सहायता से इसमें मसलेंगे, यानी इस तरह से डालेंगे और दोनों हाथों की सहायता से मसलेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो ये जो तैयार होगा वो एक बहुत अच्छा सा दानेदार बेसन बन जाएगा, यानी हमें भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दानेदार बेसन बन जाएगा। इसको दोनों हथेलियों की सहायता से हम मस लेंगे। जैसे अभी थोड़ा डाला, इसको मैंने इस तरह से मसल लिया। देखिए, ऐसे बहुत अच्छा मसलना पड़ेगा तभी इसमें दाना बनेगा। अगर हमने इसको ऐसे ही रखा और बस थोड़ा थोड़ा कर लिया तो उससे दाना नहीं बनेगा। देखिए, इस तरह मसलते जाएंगे और इसमें हम अपना फिर से थोड़ा जो है घी और दूध जो हमने मिक्स किया है उसको इसमें डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। अब दोनों हाथों की सहायता से मैं इसे मसलूंगी। अब देखिए, ये व्यूअर्स देखिएगा, ये इस तरह से दानेदार हो गया है, मगर इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरह का बन चुका है। मगर इसको हम अब अपनी छलनी में डाल करके अच्छी तरह से छान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो रहेगा तो इसको हम हाथों से मसल मसल के और इसमें से छलनी में से निकाल देंगे, यानी छानना है, बाहर नहीं निकालना है। फ्रेंड्स, उस छलनी में मेरा थोड़ा बारीक ज़्यादा निकल रहा था, तो थोड़ा मैंने दानेदार करने के लिए इस तरह का एक कंटेनर ले लिया, एक बर्तन जिसमें मैं धनिया वगैरह सुखाती हूँ, इससे भी बढ़िया निकल रहा है। तो इसको मैं इसमें छान लेती हूँ। इस तरह से हम अपना सारा छान लेंगे, जो बारीक थोड़ा बहुत बचा है वो इसी में मिक्स कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी पतली जाली है, थोड़ा इससे मोटा हो तो भी चलेगा छानने के लिए। देखिए, आप इस तरह का दाना बन जाएगा, मगर छानने में थोड़ी मेहनत लगेगी, इसलिए दूध और घी जो डालते हैं वो थोड़ा थोड़ा डाल के और उसे मसलिएगा दोनों हथेली की सहायता से। जी फ्रेंड्स देखिए, दूध और घी बच गया, इसको हम जब चाशनी बना लेंगे उस चाशनी में डाल देंगे, वेस्ट नहीं जाएगा। और इधर ये घी जो लिया था हमने, एक्चुअली हमने ये घी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आधी कटोरी से ज़्यादा था। अब पहले हम किसी मोटे तले की कढ़ाई के अंदर या पैन में, किसी में भी हम इस घी को उड़ेल लेंगे और इसमें अपना जो हमने दानेदार बेसन तैयार किया है वो डाल के और 10 से 15 मिनट कम से कम हम इसकी सिम आंच पर सिकाई करेंगे। घी इसमें न ज़्यादा हो न कम हो, ऐसा हो जिसमें हम डाल करके इसको बराबर सिकाई कर सकें। देखिए, ये इस तरह का है, आप देख पा रहे होंगे पूरा उसमें घी में गीला हो गया। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकती हैं, फिर वो आपकी उस मिठाई के ऊपर जो हमने मोहन थाल बनाएंगे उस पर वो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए आप आवश्यकता के अनुसार इसमें घी डालें।
इसको तब तक सेकना है जब तक इससे अच्छी गंध ना आ जाए, यानी सिकने की खुशबू आ जानी चाहिए। इसको बराबर चलाती रहें। ये देखिए इसका एक एक दाना खिल गया है, पास से भी दिखा दूंगी मैं आपको। देखिए लाइट जो है, देखिए इस तरह से दाना खिला खिला हो गया। आप इस समय अगर थोड़ा सा घी भी और भी डाल सकती हैं, क्योंकि ये वैसे छोड़ेगा जैसे सिक जाएगा उसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमने उतना ही घी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। अदरवाइज इसको सेकते समय बहुत सारे लोग इसमें इतना घी डालते हैं कि ये सब डिप हो जाता है, मगर उसके बाद में वो तैरता रहता है। मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी और ऐड कर दूंगी। देखिए फ्रेंड, जितना घी हमने डाला था 3/4 कटोरी के करीब हमने डाल लिया है, क्योंकि ऊपर से भी डाला था, वो सब इसने अंदर ले लिया, यानी ये सब ऑब्जर्व कर चुका है। तो अब हम इसको, जब इसको सेकते रहेंगे तब ये रिलीज करेगा उस घी को, ही थोड़ा थोड़ा रिलीज कर देगा, तब तक हम इसे सेकते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो इसने एब्जॉर्ब कर लिया था घी, वो इस अब थोड़ा थोड़ा ये छोड़ना शुरू कर दिया है। और इसको हम स्लो गैस पर ही इसी तरह से भी पकाते रहेंगे। कम से कम 20 मिनट पकाना पड़ेगा हमें। पहले की अपेक्षा ये अब थोड़ा सा फ्लफी हो गया है, यानी पहले जब हमने इसको रखा था तब से अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्लफी हो गया, और ये फ्लफी होगा ही। दूसरी तरफ हम शुगर सिरप बनाएंगे। ये मैंने उसका आधा ले लिया है बेसन का। आप चाहें तो इसकी मात्रा बढ़ा और घटा भी सकते हैं, और जितनी हमने शुगर ली है उतना ही हम इसमें पानी ले लेंगे। और इसकी आधा तार की चाशनी बनाएंगे फ्रेंड्स। आधा तार की इसलिए क्योंकि हमें सॉफ्ट वाला बनाना है मोहन थाल। देखिए घी रिलीज करना शुरू कर दिया है और फ्लफी भी हो गया है हमारा ये। अभी हम इसको थोड़ा सा और इसी तरह से भूनेंगे फ्रेंड्स। इधर शुगर अभी डिजोल्व पूरी नहीं हुई है। ये देखिए हमारा, अगर आप देख पा रहे हैं और पहले वाले से कंपेयर कर पा रहे हैं, तो ये फूल गया है बेसन हमारा। अब फ्रेंड्स, ये मैंने दूध लिया है, और ये दूध जो है एक बाउल के करीब है, जितना हमने बेसन लिया था उसका आधा मैं दूध लूंगी। इधर शुगर बिल्कुल डिजोल्व हो गई है फ्रेंड्स, अभी थोड़ी बाकी है, इसको और डिजोल्व होने देंगे। और फिर इसको अपनी दोनों उंगलियों की सहायता से उसमें बीच में लगा करके देखेंगे कि हाफ बन रहा है या नहीं कार। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके इस दूध को डालेंगे। ये जो दूध हमने लिया है इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे और चलाते जाएंगे। इसी से ये जो है बहुत सॉफ्ट बनेगा। जो इसमें और डाल लेते हैं, और उसी सम इसी इसमें ही हम अपना, अगर हमारा घी वाला और दूध वाला मिक्सचर बच गया है तो उसको भी हम यहीं पर डाल देंगे। जब इस तरह से ये हो जाए और नीचे का तला छोड़ने लगे तब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए बिल्कुल हलवे की तरह से हो गया है, गैस को बंद कर देते हैं और इसको गैस से नीचे उतार लेते हैं। इसमें इलायची पाउडर डालिए, कोई भी एसेंस डालिए, आपकी मर्जी है, आप जो भी डालना चाहें। थोड़ा सा कलर डाल सकती हैं, मैं इसमें हल्का सा येल्लो कलर डालूंगी ताकि हमारे मोहन थाल का येलोइश हो जाए कलर। हमारी चाशनी को बनते हुए जो है वो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मगर अभी ये हाफ तार की नहीं बनी। ये फ्रेंड्स चिपचिपी हो गई है हमारी
हाफ तार की चाशनी तैयार है। पूरा तार तो नहीं उठेगा, अब हम इसको उतार लेते हैं। अब फ्रेंड देखिए ये भी ठंडा हो चुका है, ठंडा इन द सेंस यानी जब तक हमारी चाशनी तैयार हुई है तब तक ये ठीक हो चुका है। और इधर चाशनी को भी जो हमने बनाया वो एक मिनट तक इस पर रहिए, मगर अच्छी गर्म है। इसमें मैंने कहा था कि भूल गई हूँ, इसमें मैं कलर डालूंगी थोड़ा, ये इसमें कल डाल करके हम इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। अदरवाइज आप नहीं चाहती हैं तो मत यूज कीजिएगा, जैसा कानों को आपको पसंद हो वैसा बनाइएगा। अब इस गर्म चाशनी को थोड़ी थोड़ी करके हम मिलाते चले जाएंगे। दोनों हाथों की सहायता से मिलाइए फ्रेंड्स, मेरे एक हाथ में कैमरा होता है तो मैं उतना फुर्ती से नहीं कर पाती हूँ, दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। इसमें फिर से थोड़ा सिरप डाल लेंगे और इसको मिक्स करेंगे और इस तरह से पूरा सिरप डाल लेंगे, बचा हुआ सिरप भी डाल देते हैं, सारा इसमें मिक्स कर लेते हैं। और अगर थोड़ा आपको लगे कि ज़्यादा पतला है तो आप इसको थोड़ी देर गैस पर भी रख सकते हैं, मुझे ये थोड़ा पतला लग रहा था तो मैं थोड़ी देर इसको जब तक एक कला छोड़ने लगे तब तक हम इसको पका लेंगे। इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं, मैं पिस्ता मिला रही हूँ। फ्रेंड्स इसमें घी जो है जितना हमने बेसन दिया है उसका आधा लग जाता है। ये हम अब इसको बंद करके, क्योंकि हमें सॉफ्टी रखना है, और देखिए तला ये छोड़ने लगा है, आपको तला हुआ चिपका हुआ नहीं लगेगा, जहाँ से भी मैं हटा रही हूँ ये चिपका हुआ नहीं है, इट मीन्स कि रेडी है। और हम एक अब किसी भी बर्तन में इसको निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देते हैं। यहाँ मैंने इसको ग्रीस कर लिया है, वैसे ग्रीस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसकी बर्फी तो काटनी नहीं है, हमने तो सॉफ्ट मोहन थाल बनाया है, तो मैं इसमें अभी पोर कर लेती हूँ। और इस पर अब हम गार्निशिंग कर लेंगे, किसी भी चीज़ की कर लीजिएगा, किसी भी ड्राई फ्रूट्स की। ये फ्रेंड्स हमारा सॉफ्ट मोहन थाल तैयार है जो जन्माष्टमी पर बनाया जाता है, दानेदार सॉफ्ट मोहन थाल। आप बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने कान्हा को भोग लगाइए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।